नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पप्पू यादव अब सांसद बन चुके हैं और वार्ड नंबर 12 में उन्होंने नीतीश के खास नल जल योजना का निरीक्षण किया। पूर्णिया प्रखंड के वीरपुर पंचायत के बड़की मुसहरी में वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पाया कि कई सारी योजना जो है अधूरी है। कागज पर वो पूरी दिखाई दे रही, लेकिन वास्तविकता में वो योजनाएं अधूरी है। पप्पू यादव ने जैसे ही यहाँ पर निरीक्षण किया और फिर योजनाओं को अधूरा देखा, उसके बाद कार्रवाई का भी निर्देश दिया। साथ ही जांच के दौरान पप्पू यादव ने पाया कि इस वार्ड में कोई शौचालय भी नहीं है, जिसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि सांसद निधि से यहां सार्वजनिक शौचालय स्थापित किया जाएगा। पप्पू यादव का ये पूरा निरीक्षण कार्यक्रम देखिए। बाथरूम कहीं नहीं बना यहाँ से, इन लोगों का खुद नहीं बनाया गया है। तो सर अभी तुम साहब से बात हुई है सर, सामुदायिक शौचालय बनवाने। मेरी बात नहीं समझ गए सर, मेरा ये सवाल नहीं है। सर का ये कहना है कि पूर्ण लिखा हुआ है, पूर्ण लिखा हुआ है सभी घरों का भी लिखा हुआ है। जी सर, और मेरा कुछ नहीं। ऐसे अभी हम ऐसा पानी अभी आपको दिखा दें, इसी गाँव में कहीं पानी पाइप कहाँ है, पानी वाला नल जल वाला छोड़ा है, पानी कहाँ है, पानी आता नहीं, कहीं फटल है, कहीं फटल है। देखने की जरूरत ही नहीं है, सार्वजनिक शौचालय के लिए बोले, सार्वजनिक शौचालय के लिए। कहाँ पर हाथ ले रही टोकी रही निकाल ये तो नल जल के नाम पर ठगा है ना। नल है, जल कहाँ है? आया ही नहीं। खोले बेटा, साफ करो, साफ करो। ये साफ नहीं होगा, साफ जो अपना। तो देखा किस अंदाज में कि कागजों पर तो योजनाओं को पूरा दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में योजनाएं अधूरी है, शौचालय भी नहीं है। ऐसे में लोगों की मांग पर पप्पू यादव अब सांसद निधि से शौचालय तो बनवा रहे हैं। देखना होगा जब नया शौचालय बनकर तैयार होगा, उसके बाद लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।